हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही खास प्रश्न को करने चल रहे हैं और इस प्रश्न को आप लोग इनका रिजल्ट जरूर याद कर लीजिएगा और इस डिजाइन को जरूर समझ लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट लैडर। तो चलते हैं इनफाइनाइट लैडर वाले प्रश्नों में किस तरीके से कैपेसिटेंस का नेट निकाला जाता है, यानी कि सी 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 इस तरह के देख रहे हो, एक इनफाइनाइट लैडर बनी हुई है और इसका एंड पॉइंट ए और बी है। कहा जाता है कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो एक जनरल परसेप्शन ऐसा होता है कि तुम कह सकते हो कि इनफाइनाइट है तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अगर ये दो दो माइक्रोफेरेड सारे दिए हों तो ये इन्फिनिटी तक होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस प्रश्न को लगाने के लिए क्या ट्रिक लगाते हैं, क्या कंसेप्ट लगाते हैं और क्या रिजल्ट यहाँ निकल कर आता है, इसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये एक इनफाइनाइट लैडर है बेटा, देखो सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, इस तरह से इन्फिनिटी तक यही सीक्वेंस रेप्लिकेट हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, हम यहाँ पर एक कंसेप्ट मान कर ये चलते हैं कि अगर इस तरह से इतने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना, मतलब ये देखो तीन है, फिर देखो ये तीन है, फिर ये तीन है, इसी तरह से ये पूरी चीज़, ये तीन चीज़ें रिपीट हो रही लगातार ऐसे से, ये तीन फिर इसके आगे ये तीन फिर ये तीन, ये लगातार रेप्लिकेट हो रहा है। इसी तरह यही लैडर एक चेन के रूप में चल रही है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि ये ए बी है, इसको मान लेते हैं ये P और Q। तो मान लेते हैं कि इस P Q के जो बाद की टोटल चेन है उसका नेट कैपेसिटेंस कुछ मान लेते हैं, ये P और Q के जो बाद का है इसका नेट मान लेते हैं C डैश है ना। तो लेट कैपेसिटेंस ऑफ लैडर आफ्टर पी क्यू इज सी डैश, ठीक है ना। तो चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई के, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मान लिया कि इस पी क्यू के जो बाद लैडर बनी है इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो सी डैश है। तो चलो अब सी डैश है तो नया फिगर क्या बन जाएगा, चलो ये है इस तरह से, ये ए बी और ये पी क्यू था, ये पी था, ये क्यू था। अब इसके बाद का जो नेट कैपेसिटेंस हुआ ये हो गया सी डैश। अब बचा ये सी, ये सी, ये सी और ये सी डैश, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर एक हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे वो जरूर ध्यान में रखना और यही इसका बेसिक मूल मंत्र है। अब हमने ये इनफाइनाइट लैडर जो पी क्यू के बाद थी इसका सी डैश मान लिया है नेट कैपेसिटेंस, तो अब हम ये मानेंगे कि अगर इतनी लंबी इनफाइनाइट सीरीज का सी डैश है तो उस सी डैश में ये तीन सी अगर जोड़ देंगे, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लेते हैं ऐसे 100,000 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 10,000 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 50 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, अगर ये इनफाइनाइट तक जुड़े हुए हैं जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इतने कैपेसिटेंस में ये तीन और जोड़ दिए जाएंगे तो क्या कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आंसर है नहीं। जैसे अगर 100,000 रुपए में 1 पैसा जोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पी और क्यू के बाद का जो नेट कैपेसिटेंस माना है वो सी डैश है इन्फिनिटी तक, इसमें अगर ये तीन जोड़ दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है नहीं नहीं नहीं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम ये मान कर चलते हैं कि सी डैश में जब इस सी को जोड़ा जाएगा तीन सी को तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यही सी डैश नेट माना जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर सी नेट क्या हो जाएगा बताओ, ए और बी के बीच का सी नेट क्या हो जाएगा, ये सी और सी डैश क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि सी पैरेलल सी डैश, और ये सी पैरेलल सी डैश और ये दोनों उसके सीरीज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीरीज सी सीरीज सी, ठीक। तो पहले इसका पैरेलल निकालते हैं वो क्या होगा, तो सी नेट बराबर सी पैरेलल सी डैश यानी कि सी प्लस सी डैश हो जाएगा, फिर सीरीज सी सीरीज सी, तो इन दोनों का जो सीरीज हो जाएगा
अब ये सीरीज क्या होगा, ये पूरा और ये पूरा, ये क्या है, सीरीज में होगा, ठीक, सीरीज। अब ये सी सी सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा, सी सी का सीरीज जो हो जाएगा वो सी बाई टू हो जाएगा। तो सी बाई टू और सी प्लस सी डैश, इनका हमारा क्या करना है, नेट है भाई, ये सी सी इसके सीरीज में है तो ये सी सी का सीरीज हो जाएगा सी बाई टू, तो सी प्लस सी डैश सीरीज सी बाई टू, यही सी नेट होगा। अब तुम लोग सीरीज का फार्मूला क्या जानते हो, सीरीज का फार्मूला क्या होता है कि वन अपान सी नेट बराबर वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री, ऐसे होता है, ठीक। तो वन अपान सी नेट बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान सी वन की जगह क्या रखोगे, सी प्लस सी डैश प्लस वन अपान सी टू की जगह क्या रखोगे, वन अपान सी बाई टू, यानी कि टू बाई सी हो जाएगा। तो वन अपान सी नेट बराबर वन अपान सी प्लस सी डैश प्लस टू बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वन अपान सी नेट बराबर क्या हो जाएगा, ये टू सी प्लस सी डैश, टू सी प्लस सी डैश प्लस सी अपान, ये हो जाएगा सी, सी सी का मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश। तो सी नेट बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश अपान थ्री सी प्लस सी डैश, ये चीज़ हो गई। अब सी नेट क्या है, चूँकि अब ये सी, अब कह रहे हैं हमने क्या कहा, सी डैश में जब ये तीन जोड़ोगे तो लगभग वो सी डैश के ही बराबर आएगा, यानी कि सी नेट यहाँ क्या है, सी डैश के लगभग बराबर है। देन अब अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम इस चीज़ को सी डैश के बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि सी डैश में अगर इतना पूरा जोड़ोगे तो जो आएगा वो भी लगभग सी डैश आएगा और वही सी नेट होगा। और जब वही सी नेट होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ सी डैश रख देंगे, तो सी डैश बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश अपान थ्री सी प्लस सी डैश। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सी डैश का सी डैश से मल्टीप्लाई, सी डैश स्क्वायर प्लस थ्री सी सी डैश बराबर सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश। सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओ, सी डैश का स्क्वायर, ये सी डैश का स्क्वायर है, और प्लस थ्री सी सी डैश में सी सी डैश घटेगा तो क्या हो जाएगा, टू सी सी डैश माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। ये सी डैश की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यही सी नेट है, यही सी डैश है, और सी डैश का जो फार्मूला यहाँ आ रहा है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ रहा है। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फार्मूला है, चलते हैं देखते हैं। तो क्या होता है, माइनस बी यानी कि माइनस टू सी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि टू सी का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह होगा वन और सी की जगह होगा माइनस सी स्क्वायर ओवर टू इंटू ए, तो ए की जगह यहाँ वन होगा। तो सी डैश की वैल्यू आने चल रही है टू सी प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा फोर सी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर यानी कि एट सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में अपान टू। अब आगे हम क्या करेंगे ये देखना है। तो ये सी डैश क्या हो जाएगा, माइनस टू सी, यहाँ हो जाएगा फोर फोर सी स्क्वायर इंटू टू यानी कि टू सी रूट टू अपान टू। तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो से डिवाइड कर दो तो माइनस सी प्लस माइनस सी रूट टू अपान टू, यानी कि सी डैश इक्वल टू माइनस सी यहाँ प्लस माइनस रूट टू। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, माइनस लोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो माइनस सी प्लस सी रूट टू अपान टू। तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉमन कर लो, ब्रेकेट में आएगा रूट टू माइनस वन अपान टू। तो इस तरह से ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया यहाँ पर कि सी डैश जो आएगा वो सी बाई टू ब्रेकेट में रूट टू माइनस वन। तो इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए हम वो सिमेट्रिक चेन को
तोड़कर उसको सी डैश मान लेंगे और यह मानकर चलेंगे कि सी डैश में जब इन तीनों को जोड़ोगे तो जो आएगा सी नेट वह भी सी डैश के बराबर ही आएगा और उसको वहाँ रख दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से तुम रजिस्टेंस की भी इनफाइनाइट लैडर के नेट रजिस्टेंस को निकाल सकते हो। जैसे यहाँ कैपेसिटेंस निकाला गया नेट, वैसे ही हमें रजिस्टेंस भी निकालना आ जाएगा। यह प्रश्न आईआईटी में ज़रूर पूछा गया है और पूछा जाता भी है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की भरमार अब आपको मिलने वाली है और आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।